एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक भरा दिन रहा है 2019 का। दुनिया ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर देखी है। वैज्ञानिकों ने एक साथ वॉशिंगटन, ब्रसेल्स, सेंटियागो, शंघाई, ताइपे और टोक्यो में इस तस्वीरों को जारी किया। तस्वीर टेलीस्कोप के एक ग्लोबल नेटवर्क की मदद से खींची गई है। यह ब्लैक होल धरती से 5.4 करोड़ प्रकाश वर्ष करीबन 9.5 लाख करोड़ किलोमीटर दूर M87 गैलेक्सी में स्थित है। ये उपलब्धि ऐसी ही है जैसे धरती पर रहकर चांद पर रखे किसी छर्रे की तस्वीर खींचना। दोस्तों, यह उपलब्धि 2012 में शुरू हुए इवेंट हेरोजाइन टेलीस्कोप शोध का नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ के रूप में शुरू किए गए इस शोध का उद्देश्य विभिन्न ब्लैक होल की नजदीकी से जानकारी जुटाना है। वैज्ञानिकों को इस अध्ययन से जानकारी मिली है उससे 915 में एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और पुष्ट हुआ है। इस उपलब्धि पर वैज्ञानिक शेपयार्ड डॉलमैन ने कहा कि हमने वह हासिल कर लिया है जिसे कुछ पीढ़ी पहले तक असंभव माना जा रहा था। दोस्तों, लोगों ने इस मौके पर महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस को भी याद किया। हॉकिंस ने ब्लैक होल पर व्यापक अध्ययन किया था। दोस्तों, बता दें कि ब्लैक होल आखिर होता क्या है। ब्लैक होल को अंतरिक्ष की सबसे रहस्यमयी संरचना कहा जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि इसके पास से गुजरने वाला कोई भी खगोलीय पिंड इसमें समाहित हो जाता है। इसे ब्लैक होल इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि प्रकाश भी इसमें लुप्त हो जाता है। माना जाता है कि कोई विशाल तारा अपने अंतिम समय में ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। हर गैलेक्सी के मध्य में ब्लैक होल है जो लगातार अपने आसपास के खगोलीय पिंडों, तारों और छोटे ब्लैक होलों को अपने अंदर समेटे हुए अपना आकार बड़ा करता जा रहा है। दोस्तों, दुनिया ने पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर देखी। किसी भी ब्लैक होल की तस्वीर लेना असंभव है। ब्लैक होल ऐसी संरचना है जिससे प्रकाश भी वापस नहीं आ पाता। ब्लैक होल की एक सीमा होती है जिसमें पहुंचते ही कोई भी पिंड घूमते हुए धीरे धीरे उसके केंद्र में समा जाता है। ब्लैक होल पर हर पल अनगिनत पिंड समा रहे होते हैं। इस प्रक्रिया में उसके चारों ओर प्रकाश और तरंगों का एक चक्र बन जाता है जिससे छल्ले जैसी आकृति बनती है। वैज्ञानिकों ने ऐसे ही छल्ले की तस्वीर खींची है। उन तरंगों के बीच दिख रहा काला हिस्सा ब्लैक होल है। ईएचटी प्रोजेक्ट के तहत कई रेडियो टेलीस्कोप एंटीना को इस तरह जोड़ा गया ताकि वह टेलीस्कोप की तरह काम करे। अप्रैल 2017 में हवाई, एरिजोना, स्पेन, मेक्सिको, चिली और अंटार्कटिका में स्थापित टेलीस्कोप की मदद से पहला डाटा मिला था। खगोलविद माइकल ब्रीमर ने कहा, हमने कई रेडियो टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों को इस तरह जोड़ा जैसे वह किसी बड़े शीशे का टुकड़ा हो। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने M87 गैलेक्सी में स्थित ब्लैक होल की तस्वीर जारी की है। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य से 6.5 अरब गुना है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा के मध्य में स्थित एक ब्लैक होल सेगिटेरियस ए का डाटा भी जुटाया है। सेगिटेरियस ए धरती से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका द्रव्यमान सूर्य के करीब 40 लाख गुना है। तो दोस्तों, ये खगोल शास्त्र में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में देखा जा सकता है कि पहली बार ब्लैक होल की इस तस्वीर को जारी किया गया है। दोस्तों, आपकी इस ब्लैक होल के बारे में क्या राय है, जरूर अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।